पुलवामा आतंकी हमले की बरसी आज देश कर रहा है शहीदों को नमन। लोग भूलेंगे नहीं वो दिन। गौ सेवा संगठन उपचार शाला बावल द्वारा पूरे क्षेत्र में रैली निकालकर किया पुलवामा शहीदों को सशस्त्र नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूल सकता है। भारत के लिए यह काले दिन की तरह है। एक तरफ जहाँ आज दुनिया भर के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वहीं भारत इस दिन शहीद हुए अपने शहीदों को याद करेगा। यह दिन भारत के लोगों को झकझोर कर रख देती है। दरअसल इसी दिन साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। आज इस हमले के 4 साल हो गए हैं। यह दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की भी याद दिलाता है। साल 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 40 जवान शहीद हो गए।